आयुर्वेदिक विभाग के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने की धनतेरस की पूजा। सभी विभाग के कर्मचारी रहे उपस्थित। भगवान धन्वंतरी की करी पूजा। धनतेरस के दिन आज आयुर्वेदिक विभाग में अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने मिलकर भगवान धन्वंतरी की पूजा की। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और बरकत भी होती है। इस मौके पर सभी कर्मचारी और अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष पर त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन दिवस होता है। इस दिन समुद्र मंथन के समय 14 रत्न पैदा हुए थे। उन 14 रत्नों में भगवान धन्वंतरी पैदा हुए, जो कि आयुर्वेद के रचयिता कहे गए और उन्होंने आयुर्वेद का प्रादुर्भाव किया। इसी उपलक्ष में प्रत्येक वर्ष जो आयुर्वेद से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो धन्वंतरी भगवान का पूजन करते हैं, धन संपत्ति के लिए पूजन करते हैं। वैसे इसको धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। क्या करें, पूजा किस तरह करते हैं? पूजा करते हैं आपने धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है, जैसे पहले विष्णु गणेश जी महाराज की पूजा होती है, उसके बाद विष्णु भगवान की। विष्णु का ही अवतार मानते हैं धन्वंतरी भगवान को। आपका परिचय? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर पुरुषोत्तम लाल शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर निदेशालय अजमेर।